क्या होगी हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यह भी देखेंगे। इसके साथ साथ 2022 में कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही थी वह भी बताने वाली हूँ आप सबको। सिंप्लीफाइड कट ऑफ लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी सिंह सेंगर, एक जर्नलिस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2022 की कट ऑफ दे देती हूँ, जिसके बेसिस पर आप इस बार अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में मैं यह भी बताऊंगी कि 2023 में क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस पर मेरा अनुमान क्या कहता है। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। अगर बात करें ओपन कैटेगरी की, तो सबसे हाई कट ऑफ जो देखने को मिली थी वो ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की थी। यहाँ पे जो मॉपअप राउंड का क्लोजिंग स्कोर था वो 640 था, लेकिन स्कोर पर ध्यान नहीं देना है, इस बार रैंक काफी खराब बनी है, तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो 6640 थी। ESIC को कैंडिडेट्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भारी भरकम बॉन्ड भरना पड़ता है, जो कि ESIC में नहीं है। ऐसे में ESIC की कट ऑफ सबसे हायर साइड में है। इसके बाद पंडित भगवान दयाल शर्मा रोहतक है, और सबसे लो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी GMC जो कि फरीदाबाद में है, यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी, जो थी 217656 ऑल इंडिया रैंक, और स्कोर था 598। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि जो बॉन्ड है हरियाणा में वह देश भर में सबसे ज्यादा है, ऐसे में हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं यह मजबूर हैं ऑल इंडिया कोटे से सीट लेने के लिए, और ESIC में बॉन्ड नहीं है, तो जो भी कैटेगरी है वहां पर ESIC का जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। AWS में भी राउंड वन में ही सारी सीटें खत्म हो गई थी। 6120 रैंक तक सीट मिली, स्कोर था 642, और लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी GMC फरीदाबाद में देखने को मिली थी, और ये जो कट ऑफ थी ये मॉपअप राउंड में 23894 रैंक की थी। अगर बात करें BCA कैटेगरी की, तो ESIC सबसे टॉप पर रहा था। सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे BPS सोनीपत में देखने को मिली थी। अगर हम बात करें मॉपअप राउंड की, तो यहाँ पे कट ऑफ हायर साइड में थी, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लोएस्ट कट ऑफ BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में राउंड वन में ही देखने को मिली थी। रैंक था 32,659 का। बात करें BCB कैटेगरी की, तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट कट ऑफ राउंड टू में देखने को मिली थी, जो रैंक था वो था 25,539, स्कोर था 590 का। और अब अगर बात कर ले SC कैटेगरी की, तो ESIC फिर से नंबर एक पर था। सबसे लो कट ऑफ की बात करें तो महाराजा अग्रसेन जो कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर 120,111 रैंक पर SC कैटेगरी क्लोज हो गई थी, स्कोर था 457। अब बात कर ले SC डिप्राइव्ड कैटेगरी की, तो यहाँ भी ESIC नंबर वन पर था। सबसे लो कट ऑफ की बात करें तो ये मॉपअप राउंड में देखने को मिली थी, और रैंक था 138,472। PWBD कैंडिडेट्स भी अपनी सब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। काफी कम स्कोर पर भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, तो अब यहाँ से हम चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। प्राइवेट कॉलेजेस में हमें क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, अगर बात कर ले ओपन कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं आदेश में जो लोएस्ट एडमिशन हुआ है वह राउंड टू में हुआ है, 256,417 रैंक था और 340 का स्कोर था यहाँ पर। SGT में अगर बात करें तो मॉपअप राउंड में 6,06,996 रैंक और 179 की स्कोर पर सीट मिली है। इसी की अगर बात की जाए तो मॉपअप राउंड 7,24,337 पर सीट मिली है, 147 का स्कोर था। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की बात की जाए तो मॉपअप राउंड में 8,78,907 रैंक और 117 के स्कोर पर सीट मिली है SGT में। PWBD कैटेगरी भी है, और यहाँ पर 6,99,995 की रैंक राउंड वन में देखने को मिली थी। ऐसे ही अगर हम बात करें BCA कैटेगरी की, तो BCA कैटेगरी में आप देख सकते हैं आदेश में 308 पे मॉपअप राउंड में सीट मिली है। इसी में राउंड टू में 104 तक सीट मिली है, और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में राउंड टू में 123 स्कोर पर सीट मिली है।
बीसीबी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आदेश में राउंड टू में 152 स्कोर पर, एनसी में 147 स्कोर पर और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में 105 पर राउंड टू में सीट मिली है। एससी कैटेगरी एसजीटी 157 स्कोर तक राउंड टू में मिला है, आदेश 222 स्कोर तक राउंड टू में मिला है, एनसी मेडिकल कॉलेज 125 स्कोर तक राउंड टू में मिला है और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर राउंड वन में 325 स्कोर तक मिला है। एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसजीटी गुड़गांव 129 स्कोर तक मिला है, आदेश 282 स्कोर तक मिला है, एनसी 309 स्कोर तक मिला है और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर 303 स्कोर तक मिला है। और अब अगर बात कर ले मैनेजमेंट कोटे की, जिस पर दूसरी स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, तो आदेश मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सबसे कम 261 स्कोर तक मिला है। रैंक था 3,95,023 का। एनसी मेडिकल की बात करें तो मॉप अप राउंड में 5,72,560 रैंक और 190 की स्कोर तक मिला है। एसजीटी गुड़गांव की बात की जाए तो 5,17,330 रैंक और 209 के स्कोर तक मिला है। अल्फला जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे की बात हो रही है। तो जो लोएस्ट कट ऑफ है वह राउंड टू में देखने को मिली है 6,24,989 और स्कोर था 173 का वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। मॉप अप राउंड सबसे लोएस्ट कट ऑफ 8,11,613 की रैंक और 129 का स्कोर। अब बात करें अल्फलाह के मुस्लिम माइनॉरिटी कोटे में कट ऑफ क्या रही है। लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पर राउंड टू में देखने को मिली थी 4,65,859 रैंक था और 229 का स्कोर था। तो ये रही कट ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की। अब चलिए मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ और मेरे अनुमान के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023 के लिए वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22,500 रैंक रह सकती है। स्कोर होगा 611 का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24,500 तक की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। स्कोर रह सकता है 608 का। बीसीए कैटेगरी 26,000 रैंक तक मिल सकती है, 605 का स्कोर होगा और बीसीबी कैटेगरी 24,000 रैंक तक खत्म हो सकती है, 609 का स्कोर होगा। बात करें एससी कैटेगरी की तो 1,20,000 रैंक तक यहां पर आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। स्कोर हो सकता है 489 के आसपास और एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी जो है वह 1,39,000 रैंक तक जा सकती है। स्कोर रहेगा 471 का। तो यहाँ पर 2022 की जो भी कॉलेज वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ध्यान दीजिएगा KEAM कीम के अंडर अलाइड कोर्सेज के लिए अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में विदाउट रिजर्वेशन क्लेम कराए हुए कैंडिडेट्स को करेक्शंस करवाने हैं या नेसेसरी या लेफ्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कीम के अंडर, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पीडब्ल्यूडी सीट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्लेम करना है वेस्ट बंगाल के लिए, तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो में नीचे दिए गए लिंक में तीनों पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड आप अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन और नोटिस वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जरूर मिलूंगी आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।